तुसी देख रहे हो AMI न्यूज। चोणा दी रंजिश दे चलदे पिंड फिरोजपुर कला दे सरपंच वालों एक बंदे नू बेसबॉल मार के उसनू जख्मी करन दा जो है मामला सामने आया तां इसे दे चलदे तुहानू दस दईए सिविल हस्पताल विच इलाज दौरान दाखिल पीड़ित रविंदर मोहन ने दस्या कि उसका पिता जा रहा सी कि सरपंच अते उसके बेटे ने उसनू घेर लिया ते उस दे नाल जो है मार कुटाई करन लग पे। जदू मौके ते पहुंचा तां सरपंच दे लड़के ते सरपंच दे वल्लो उसके सिर ते बेसबॉल मारे गए ते उसनू जख्मी कर दिता गया। उसने प्रशासन नू अपील करते हुए कहा कि दोषियों खिलाफ जो है सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। जब इस संबंध में सरपंच तरसेम महाजन नाल गलबात की तो उसने कहा कि उसके मुंडे दे जो है सट्टा लगिया हन। वह गली विचों जा रहा कि उसके नाल गाली गलोच करनी शुरू कर दी जिस तों बाद झगड़ा वध गया ते मार कुटाई हुई। सुजानपुर तो मनोज भंडारी की रिपोर्ट AMI न्यूज पंजाब। श्री करमचंद बीपीओ फिरोजपुर कला मेरे फादर साहब सैर करके आते पे जी तो सरपंच जोड़ा मुकदा भी पहला भी एक्स सरपंच भी मिली थी हूँ वो आपे जीते सरपंच मैं असं भी अपने सरपंच भी ठहरे थे तो मैंबर भी ठहरे थे नौ मैंबर की पंचायत है साढ़े कला नौ सात मैंबर जो है साढ़े जीते हैं असं उनका मान सम्मान करने वास्ते कल एक छोटी जी टी पार्टी रखी थी उस टी पार्टी के चलते ही सरपंच ने मेरे फादर साहब का सवेरे लंजन नहीं किया। फादर साहब तो उन्होंने बड़ा बेटा जोड़ा वो अपनी गली के खड़े हो गए थे वगैरह बेसबॉल वगैरह रखे थे उन्होंने जिदा ही मेरे फादर साहब सैर करके आए हैं तो उन्होंने मेरे फादर साहब को घेर लिया। घेरने तो बाद उन्होंने गाली गलोच करते पे ही कहते कौन कमेटियां चलने वाले मैंबर बुलाने वाले मेरे फादर साहब ने कहा भी मैंबर साढ़े जीते है असं उन्होंने मान सम्मान करने वास्ते असं टी पार्टी लगी थी चलो जीते आ तो उन्होंने मान सम्मान करना भी साडा फर्ज बनता तो इन्नी देर में मैं दुकान से दुध लेना चाहता पाया सरपंच का घर भी साढ़े घर के सामने से सो नाल ही अगे गली के उन्होंने मेरे फादर साहब ने धक्का मुक्की करते पे तो चले जी मेरे हाथ से दुध सी मैं दुध लेना चाहता पे मैं भी उन्होंने को चल गया मैं जी गल कर रही तुम मेरे ना चलो मेरे फादर साहब ने बजुर्ग में क्यों तंग करते पे क्यों उन्होंने हाथे पाते पे उन्होंने दोनों ने प्यो पुत्र ने मेरे से हमला करता तीजे उनका छोटा बेटा उन्हें गली के उसे नाल ही बेसबॉल रखे थी बेसबॉल चुप के तो नाल ही मेरे सिर च मारता जिते कि मेरे अगे ही सिर के दो ऑपरेट हो 2018 के चंडीगढ़ मैक्स हॉस्पिटल उन्होंने उस जगह से मेरे को हिट किया और जानों मार के मैं उन्होंने साजिश बनाई थी पहले ही कि सट लगी सर सट तो हम देखो जी मैडिकल के जो भी MRI वगैरह हुई है मेरी जो रिपोर्ट आएगी देख लो प्रशासन को की अपील करना चाहोगे प्रशासन को यही अपील करना चाहते हैं जेडे गुंडे मतलब पाले दे जो BJP सरकार ने जो सरपंच पहले भी हुए थे हूँ दोबारा धक्के बन गए तो बदमाशी करते पिंड आए दिन कोई ना कोई घटना करते ही रहते पिंड जेडे कि साढ़े अगे भी इन्होंने नाल मानहानि का केस भी इन्होंने एक चलता पाया साडा एक नाले का केस चलता पाया साडा इन उस रंजी के इन्होंने जोड़ा साढ़े हमला किया साढ़े नाल इंसाफ किया जाए अं प्रशासन अगर यही मांग करते हैं। सरपंच साहब थोड़ा जिहड़ा रविंदर मोहन नाल सवेरे झगड़ा होया उहदे बारे की कहना देखो जी पहले मेरी मिसेज सरपंच जी हूँ लोगों पब्लिक मैनू सरपंच चुनिया पर इन्हां दी हार जिहड़ी आ इन्हां दे जिहड़े साथी हारे ने उन्हां दी हार इन्हां नूं मंजूर नहीं हो रही। सवेरे जिहड़े मैं घरों निकलिया अपने अपने प्लाट 'च जांदा पिया सी मेरे घर दे नाल नाल ही मेरे भरा दा घर आ उत्थे करमचंद खड़ा सी उन्होंने कहा ही वो सैल करन जाया करदा सी ये बिल्कुल गलत है उत्थे खड़ा ही उहदे बाद मैं उत्थों लंघदा पिया सी मेरे नूं कहिंदा वी तूं मेरे वल क्यों देखदा मैं हाँ भरा तेरे वल की देखना तू अपने काम जा मैं अपने काम जा रहा मैं हाथ भी जोड़े मैनू इन गाल गड्डिया गड्डिया माँ भैन की गाल क्ढी उहदे बाद सामने ही अपना इहदा घर इहदा भी घर साढ़े घर के सामने इहदे मुड़े ला के मैनू लम्मे पा लिया ढा लिया सोटी लै के जिहड़ी उहदे कोल प्यो स्टिक ही उहदे नाल मैनू बहुत ज़्यादा कुटिया मेरी बाँह ते सट्टां लगी न लत्त ते लगी न पिठ ते लगी न पिल्ली ते लगी न उहदे बाद जिसले वड्डे मेरे बेटे नूं पता लग्या और वो आया मैनू छड़ाया इन्हों तों छड़ाण तो बाद इस बंदे ने रविंदर मोर ने उहदी अख बड़े बेटे की अख दे विच कुछ मारिया जिहड़ा कि हक का बचाव गया हक दे नाल ही
जख्म हो गया जड़ा काफ़ी जूंगा डंगा सा। ये समझ नहीं आई भी इन्हें की मारिया, चाकू मारिया, करद मारिया, जा बेस ओ मारिया कि ना। उन्हां दा कहना कि तुहाडे बेटे ने उन्हां दे सिर च बेसबाल बाणे, उहदे बारे की कहना? देखो जी, सब तो पहले तो इन्हें रविंदर मोहन कोई तेज़ तेज़ चीज़ जड़ी है बेटे मेरे की अख च मारी है, जड़ी कि अख च नहीं बजी, अख तो सिर्फ दो इंच एक इंची उरा बजी, जिदे नाल अख उहदा जख्म बहुत गहरा है, ग्रिप मारिया। उहदे बाद बेटे ने उन्हूं छुड़ाउण की कोशिश की है, लड़ाई दे विच सारा टब्बर आ गया जी, जिदा कि रविंदर मोहन दा बेटा, इक्की दा भरा सोनू, ये सारे आ गए जी। उहदे बाद आपस दे विच लड़ाई दे विच उहदे भी सट लगी है, मैं नहीं कहिंदा लगी है, जे बेटे दे ना सट मारदा शायद उहदे नाल बेटे दा खून कटता इन्हां। उहदे बाद उहनां नूं गुस्सा आया, उहनां भी मारीए, यही गलबात हुई है। सर नाले उन्हां दी समस्या ये भी है कि केस चलेगा नाले दा, उहदी क्या की गल है, की कहना चाहोगे? देखो ये तो मैं मीडिया नूं कई बार पहले दस चुका भी ये जिहड़ा करमचंद पुत्र गुरदयाल ने केस पाया ग्राम पंचायत अते सुषमा कुमारी ने, जिहड़ा कि तलाह तो लैके शमशान घाट तक करमचंद दा एक मरले दा प्लाट भी है नहीं, इस बंदे ने 420 करके कोर्ट नूं गुमराह किया, जिहड़ा कि अपना नक्शा बनाया उत्थे इन्हें शो किया कि मेरा प्लाट है, जिहड़ा कि इहदे प्ला जिहड़ा नक्शा बनाया जिन्हें नक्शा बनाया उहदे भी साइन है, करमचंद दे भी साइन, इन्हें एक्सैप्ट किया कि मेरा इत्थे प्लाट है, पर पटवारखाना जां तहसील दे रिकॉर्ड दे विच इहदे तलाह तो लैके शमशान घर तो इक मरला भी जगह है नहीं, वह 420 कीती ने अते कोर्ट नूं गुमराह किया, कोर्ट का टाइम जाया किया, मैनू भी हरा मेरी पत्नी तो पूरी पंचायत को हरास किया, सारे पिंड को हरास किया, जिस दे कारण गंदा पानी जड़ा ना सड़क दे विच जांदा है। यार आज कहीं बाहर खाने चले? तो चलो दिल्ली के मोस्ट फेमस रेस्टोरेंट चावला दिल्ली वाला चलते हैं, जो अब खुल चुका है अपने शहर पठानकोट में भी, जहां मिलेगा आपको इनका फेमस पिशौरी चिकन और वेज नॉन वेज में ढेरों जायकेदार वैरायटीज। चावला दिल्ली वाला, पाइनवुड डेकोर टावर, अपोजिट नोवेल्टी हुंडई, डलहौजी रोड, पठानकोट। कॉल 7696588832। बाकी इन्हां कोल एक किटी हॉल भी अवेलेबल है, जिथे तुसीं अपनी छोटी मोटी पार्टीज या किटी पार्टी जिहड़ी है ऑर्गेनाइज करवा सकदे हो। लोकेशन है चावला दिल्ली वाला, फर्स्ट फ्लोर, पाइनवुड डेकोर टावर, अपोजिट नोवेल्टी हुंडई, रोड, पठानकोट। रबदयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा आपकी खुशियों के साथ, आशा पूर्णी मंदिर पठानकोट से मनचंदा टावर ढलोजी रोड। रबदयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा आपकी खुशियों के साथ, आशा पूर्णी मंदिर पठानकोट से मनचंदा टावर ढलोजी रोड। रबदयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा आपकी खुशियों के साथ, आशा पूर्णी मंदिर पठानकोट से मनचंदा टावर ढलोजी रोड। कहीं सुना है रिटेल की दुकान पर होलसेल का दाम? जी हाँ, नव्या लेकर आया है डिजाइनर सूट्स, कुर्तीज और फैब्रिक्स, सबसे सस्ता सबसे अच्छा, डिफेंस रोड ममून पठानकोट, कॉन्टैक्ट 9614196141।